देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति कोडिया में कार्यक्रम का आयोजित हुआ। प्रदेश सरकार की इस योजना से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा कोडिया की सेवा सहकारी समिति भैंसा बोहानी नरवारा लिलवानी पलोहा कोडिया चिरिया सिडूमा के 1854 किसानों का 6,75,42,000 ब्याज माफ होगा। ब्याज माफी का लाभ ऐसे होगा कि ये सभी किसान बिना ब्याज के सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिप्रताप सिंह ममार ने कहा कि साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 10 दिन में प्रदेश के प्रत्येक किसान का 2,00,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता मिलने के 18 माह में भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। किसानों ने ऋण माफी की आस में ऋण जमा नहीं किया और वे अपात्र हो गए और उन्हें समितियों से खाद बीज मिलना बंद हो गया। किसानों को हो रही इस परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। चूंकि किसान ब्याज की राशि नहीं चुका सकते हैं, इसलिए सरकार ने इसे माफ करने की योजना तैयार की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामाकांत शर्मा ने बताया, प्रस्तावित योजना के अनुसार जिन किसानों के ऊपर मूलधन और ब्याज मिलाकर 2,00,000 रुपए तक बकाया है, उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसान को आवेदन करना होगा। दावा आपत्ति बुलाने के बाद ब्याज माफी दी जाएगी। सरकार इसका प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। 2018 में मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, कांग्रेस के नेताओं ने जो घोषणा करी थी कि जो किसानों के 2,00,000 रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे, वो उस दौरान हुआ ये कि किसान ने इस भरोसे में कि शायद ये 2,00,000 माफ होंगे, उन्होंने अपना पैसा जमा नहीं किया और उस दौरान उनको डिफॉल्टर घोषित हो गए। उनका लगातार ब्याज चलता रहा और उस ब्याज को आज मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से मान, वो हमने नहीं करे हैं, किसान खुद भी डिफॉल्टर नहीं हुआ। कांग्रेस की गलत नीति, गलत घोषणा के कारण किसान डिफॉल्टर हुआ। आज किसानों का मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी इसकी लॉन्च किया है और ये आज मूर्त रूप में सभी पात्र हितग्राही फार्म आवेदन